दोस्तों नमस्कार, आज आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से जैसलमेर की यात्रा इस ब्लॉग में, और पहुंचे हुए हैं अभी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म नंबर पहले पे पहुंचे हुए हैं। और यहां पर अभी चाय पीते हैं, वेट करते हैं, बड़े भाई साहब आ रहे हैं, उनका भी इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं आज की यात्रा जैसलमेर तक की। शाम को हमको जैसलमेर पहुँचना है और ये सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद जो दूसरा प्लेटफॉर्म है तीसरा, ऐसे ही यहाँ से ऊपर चढ़ना है सीढ़ियों से, और वहाँ से फिर दूसरा तीसरा चौथा और ये पहला है। तो अब आ गई है कॉफ़ी, कॉफ़ी भी पीते हैं, गोकुल भाई भी पी रहे हैं, नाश्ता करके फिर कॉफ़ी पी रहे हैं। बालाजी भी जाना है हमने वहाँ से, हैं? हाँ बालाजी है यार, वो बालाजी के मंदिर में भी जाएंगे। तो सभी मित्रों को एक बार फिर से सुप्रभात, और आज पहुंच चुके हैं हम दिल्ली छावनी कैंट रेलवे स्टेशन पे, और यहां से जैसलमेर की यात्रा शुरू हो रही है, और आगे आगे चल रहे हैं दोनों साथी, पीछे से हम। हेलो गाइज, कैसा चिता रहे हो? ये धुंध हो रही है, धुंध जैसी चिता रहे हैं, और आज दिल्ली और अल्ले ये बखाई जो चालू मजा आनी है। तो ये है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, और तो अब पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन में, और यहां से हमारी शुरू हो रही है जैसलमेर की यात्रा, और भाई लोग निहार रहे हैं रेलवे पटरी को। और अब चलते हैं, एक लंबी बखाई वाली गाड़ी आ रही है कह रहे हैं उमेश जी, कौन सी गाड़ी आएगी? हाँ लंबी बखाई वाली गाड़ी आएगी, तो उसमें बैठ के बखाई जैसी गाड़ी आएगी, हाँ उसमें चल देते हैं। कहाँ कहाँ जाना है? राजस्थान, अपनी अनुवांशिकता जहाँ से जिस जहाँ से पैतृक भूमि पूर्वज आए थे, हाँ उस प्रदेश में हम जा रहे हैं जहाँ हमारे पूर्वज रहा करते थे, भूमि को नमन करने जा रहे हैं। उभरी जा रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है? अगर हाँ उनिचा एक्सप्रेस आ चुकी नहीं है, 9:21 पर लगेगी यहाँ पर। सभी लोग घूमिए, कौन सी गाड़ी कब आएगी? हेलो हेलो भाई साहब, कहाँ पहुँचे हो? कहाँ पहुँचे हो? छड़ैल में पहुँचे हैं ये, और 6 बजे पहुँचे हैं, आप सो गए हैं ये, और 9 बजे की ट्रेन है, नहा धो लो भाई। ये हैं गोकुल जी तैयार हो गए, मैं भी तैयार हो गया, और अभी पहुंचे हैं भाई दिनेश के वहाँ, यहाँ से नाश्ता वास्ता करते फिर चलते हैं आगे को। ये है दिनेश की छोटी, इधर को देख रहे। हेलो, हाय करो। मैं छोटी बोलो। पापा का नाम क्या है? दिनेश सर दपोला। ये है गौरी, हाय गौरी, कहाँ जा रही है? अभी क्लास जा रही है गौरी, स्कूल जा रही है। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? सिक्स्थ में। तो ये है गौरी धपोला, और रहती है कैंट में। स्कूल का नाम बताओ फिर अपना। आर्मी पब्लिक स्कूल। हाँ पब्लिक स्कूल वाली है, पब्लिक स्कूल कहा तो हमने हंस रही थी। हाँ तो अब गौरी से मिलते हैं, वहाँ से आके जैसलमेर से आके फिर मिलेंगे गौरी से। और अपने पापा के लिए क्या संदेश भेज रहे हो? जो था वो मैंने फोन में भेज दिया। फोन में भेज दिया? हाँ। अच्छा वीडियो के माध्यम से कुछ भेजना चाह रहे हो? नहीं। अच्छा नहीं, हाय बोल दे फिर पापा से। हाय पापा। हाँ तो सभी लोग ट्रेन का इंतजार करते हुए, और हम भी पहुंच चुके हैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे। ये बीकानेर उदयपुर सिटी होते हुए जाएगी राजस्थान पर, इसके बाद हमारी गाड़ी लगेगी 9:21 पे, और काफ़ी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी, और रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो काफ़ी लोग दौड़ा भागी करते हैं, हम भी प्रतीक्षा करते हैं यहाँ। इस प्लेटफॉर्म से जो भी गाड़ियाँ जाएंगी, जबकि हमारी चौथे नंबर पर है रुणिचा एक्सप्रेस, और 9:21 पे वो चलेगी यहाँ से,
और तब तक ब्रिज आ रहे हैं, उन सब प्लेटफॉर्म है, अगर बनी है शायद राइट रोड हाँ रोनीचा एक्सप्रेस आ चुकी नहीं है, 9:21 पर लगेगी यहाँ पर। सभी लोग घूमिए कौन सी गाड़ी कब आएगी, लाली। ये है कैंट रेलवे जंक्शन और अभी पुल पे खड़े हैं हम, और ये आर्य श्रीनगर तिलक ब्रिज सिवानी, ये ट्रेन अभी यहाँ पर रुकी हुई है, थोड़ी देर में प्रस्थान करेगी। जबकि यहाँ पर 1, 2, 3 प्लेटफॉर्म 3 बने हैं, 1st, 2nd, 3rd। दोस्तों हम निकल चुके हैं जैसलमेर को, और भाई साहब आने वाले थे, भाई साहब की ट्रेन छूट गई, वो दूसरी ट्रेन से आ रहे हैं और हम चल रहे हैं आगे को, और आपको दिखाते हैं जैसलमेर की खूबसूरत वादियाँ और ट्रेन का कुछ सफ़र, अगर कहीं पर अच्छे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे तो कैप्चर करके आपको जरूर दिखाई जाएंगे। कहाँ गए हो भाई, छत में तिपुर में जा रहेगी है? मेरी जनी मोके सारे पाप कटी जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी जनी मोके सारे पाप कटी जाएंगे, शाम आएंगे। YouTube पे डाल देना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल YouTube पे डाल देना। हे जादू खाटू वाले ऐसा सर पे छा गया, मैं फिर से फिर से चलो एक फिल्मी तो सुना दे। अरे बाबा शानू की एक फिल्मी वाला सुना दे यार, एक पुराना गाना सुना। थोड़ी खींच रहा हूँ। उमेश जी कैसा चिता रहे हैं? मचान जैसी लग गई, शायद आओ फिर मचान लग गई तो। हेलो सर, गोकुल जी क्या कर रहे हो? ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग। अरे मजा आ रहा, आप तो खिड़की सीट मिला, आप तलवे उठ रहे हो। इधर इधर उमेश इधर बैठ जा रहे, उधर बैठ ना, उधर लगातार वहाँ वहाँ खल लगा बैठो ना। सब हमारी सीट है, ये सब हमारी सीट है। दिया ना वो स्कूल नहीं जाती है, घर पे पढ़ते हैं। घर पे पढ़ते हैं? घर पे कौन सा स्कूल है यार घर पे पढ़ने वाला। तो दोस्तों ये मिले हैं हमें चाचा, और ये हैं एक्स आर्मी सूबेदार और जोधपुर के रहने वाले हैं चाचा मिले थे, और बहुत सारी गपशप की और हमारे उत्तराखंड के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, और हमने टोपी की अदली बदली भी की, हमने ये उत्तराखंडी टोपी जो हिमाचली टोपी हमने डाल रखी है ये चाचा के सर में, और चाचा की टोपी अपने
भी डालती है और चाचा के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है बाढ़ में। और राजस्थान की बहुत सारी खूबियाँ चाचा ने हमें बताई हैं। और चाचा, हमारे साथ आपकी यात्रा कैसी रही? बढ़िया रही। तो कभी आइए आप हमारे कुमाऊँ के क्षेत्र में, हम आपको घुमा कराएंगे और नंबर भी देंगे आपको। थैंक यू सर। तो ये हमारे नरेंद्र भाई जी हैं और वहाँ उमेश अपोला जी हैं। तो अभी जा रहे हैं हम जैसलमेर, और जैसलमेर की यात्रा में चाचा साथ मिल गए और बहुत सारी कब्जत हमारी आर्मी की, क्योंकि हम सेना की पृष्ठभूमि से रहे हैं। हमारे पिताजी दादाजी सभी लोग सेना से जुड़े हैं, तो इसीलिए चाचा के साथ बहुत अच्छी वार्ता हुई और उन्होंने बहुत अच्छा जानकारी हमको दी कि जो उनकी सेवा काल में उन्होंने जो जो चीज़ें देखी हमारे उत्तराखंड के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जिनके बारे में हमें भी बतानी है उनके बारे में बताया। धन्यवाद चाचा एक बार फिर से आपका, और आपका नंबर लेके जाएंगे कभी जरूर आएंगे आप सवाल। दोस्तों, ये है जैसलमेर जो समुद्र तल से 736 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 224 मीटर, और ये जैसलमेर का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से जो समुद्र तल की ऊंचाई है जैसलमेर की वो 736 फीट और 224 मीटर है, और ये यहाँ का रेलवे स्टेशन। तो सभी लोग फ्रेश होके अब तैयार हो चुके हैं जैसलमेर घूमने के लिए। ये हैं हमारे उमेश दपूला जी, और ये हैं नरेन भाई, और ये हैं गुकुल। गुकुल तो बाहर जा रहे हैं, पंजाब हो गए फिर सोनार किला देखने। नरेन भाई, कहाँ कहाँ जाना है हमने? मस्त मज़ा आ रहा है। अब जब घूमेंगे तब और मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आपको सीधे, कहाँ कहाँ जाना है फर्स्ट? लोने वाला लोंगे वाला में चलो मिलते हैं आपको सीधे फिर यहाँ।